पेट्रोलियम मंत्रालय के आदेश पर तेल कंपनियों की ओर से पेट्रोल कॉस्ट को कम करने के लिए एथेनॉल नामक गन्ना उत्पाद पेट्रोल के साथ मिलावट कर रही है, लेकिन अब धीरे धीरे यह मिलावट वाहन स्वामियों पर भारी पड़ रही है। पेट्रोल वाहनों के मालिकों को अब परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एथेनॉल मिले पेट्रोल का उपयोग करने से अधिकतर दोपहिया वाहन खराब हो रहे हैं, जिसके कारण वाहन मालिकों को महंगाई के इस दौर में दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। इस पर कई वाहन चालकों ने स्थानीय पेट्रोल पंप मालिकों पर पेट्रोल में मिलावट करने का भी आरोप लगाया है, लेकिन यह सब तेल कंपनियों की ओर से किया जा रहा है। विगत कई दिनों से शहर में चलते चलते वाहनों के बंद होने तथा कई वाहनों के इंजन सीज होने की शिकायतें मिल रही है। गुरुवार को इसको लेकर शहर में दोपहिया वाहन रिपेयर करने वाले मिस्त्रियों से जानकारी ली गई, तो उन्होंने बताया कि तेल कंपनियों की ओर से कॉस्ट कम करने के नाम जो गन्ना उत्पाद एथेनॉल पेट्रोल में मिलाया जा रहा है, जो कि वह पानी के समान है, यह एथेनॉल वाहनों के लिए खतरनाक है। मिस्त्री अजय शर्मा ने बताया कि लगातार इस प्रकार के पेट्रोल के उपयोग से गाड़ी के कार्बोरेटर में एक मोटी परत बन जाती है, तो पेट्रोल की सप्लाई को बाधित कर देती है और चलते चलते वाहन बंद हो जाता है। उन्होंने बताया कि लंबे समय तक कार्बोरेटर की सफाई नहीं करवाने पर गाड़ी का इंजन भी सीज हो जाता है, जिसके कारण वाहन मालिकों को दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। मिस्टर शर्मा के अनुसार वर्तमान में तेल कंपनियों की ओर से शायद एथेनॉल की मात्रा ज़्यादा मिलाई जा रही है, जिसके कारण यह परेशानी ज़्यादा सामने आ रही है। हालांकि तेल कंपनियों की ओर से पेट्रोल में 10% एथेनॉल मिलाए जाने की जानकारी प्रदेश भर के सभी पेट्रोल पंपों पर चस्पा की गई है, साथ ही चेतावनी भी दी गई है कि एथेनॉल पानी में घुलनशील है, जिसके चलते फ्यूल टंकी में पानी तथा अथवा मॉइस्चर होने की स्थिति में परेशानी हो सकती है। चेतावनी में इस प्रकार की समस्या से बचने के लिए समय समय पर वाहन की टंकी की साफ सफाई करने की अपील भी की गई है। इस संबंध में ब्यावर पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के गोपाल लोहिया से बातचीत की गई, तो उन्होंने बताया कि यह तेल कंपनियों की ओर से किया जा रहा है, हमारे पास जो पेट्रोल कंपनियों से आता है उसी की बिक्री की जाती है, स्थानीय स्तर पर किसी भी प्रकार की मिलावट नहीं की जाती है। लोहिया ने बताया कि अगर किसी उपभोक्ता को पेट्रोल गुणवत्ता की जाँच करनी हो तो वे आकर इसकी जाँच कर सकते हैं। मैं नानदास भैया तकलीफों बगैर चौराहे का ऑपरेटर हूँ। हमारे यहाँ कंपनी से जो पेट्रोल डीजल की सप्लाई आ रही है वही हम ग्राहकों को दे रहे हैं। अब ग्राहकों को इसमें कोई परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, तो जो पेट्रोल डीजल कंपनी से आ रहा है वही हम सप्लाई कर रहे हैं। इसमें हमारी तरफ से किसी तरह का कोई मिलावट वगैरह नहीं है अपना, और अपना उसमें लोगों की गाड़ियाँ वगैरह कोई भी बंद हो रही है अपना, तो उसकी हमारी कोई जवाबदारी नहीं है अपना। और फिर भी हम लोगों को कोई आ रहा है तो उसको पेट्रोल चेंज करके दे रहे हैं अपने नाम, और मेरे पंप में किसी तरह की कोई गड़बड़ नहीं है अपना। किसी भी तरह की कोई भी व्यक्ति चाहे तो कभी भी आके किसी भी तरह की कोई चेकिंग करवा सकता है, सैंपल भरवा सकता है, इसके लिए मैं जवाबदार हूँ। कार्बोरेटर के अंदर पेट्रोल है, पेट्रोल के साथ ये एथेनॉल जो है वो पूरी तरह जैसा कि यहाँ दिख रहा था वैसा जम चुका है। अब मैं आपको इसको खाली करके पेट्रोल को बता रहा हूँ, ये देखिए ये आपके सामने जो पेट्रोल के साथ मिक्स एथेनॉल था वो पूरी तरह से इस कार्बोरेटर में जम चुका है। अब पेट्रोल सप्लाई ये देखिए, इसके अंदर कागज़ पे मैं डाल रहा हूँ उसको, ये देखिए। अब इसने पेट्रोल की सप्लाई पूरी तरह से अवरुद्ध कर दी, परिणाम ये रहा कि गाड़ियाँ बंद हो जाती है, स्टार्ट होती नहीं है, और उसके दुष्परिणाम जो मैकेनिक भाई हैं उनको भुगतने पड़ रहे हैं। तो ये बात ऊपर तक पहुँचे जिससे कि जो पेट्रोल पंप वाले मिलावट कर रहे हैं या आगे से मिलावट होकर आ रही है उस पर लगाम लग सके, और उपभोक्ताओं को ठगी का शिकार जो हो रहे हैं उससे राहत मिल सके।